और कई पीढ़ियों के बाद ये मिशन आज के दल के दूर के वंशजों द्वारा पूरा किया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, take off! जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के आदेश पर तारामंडल में एक स्पेशल शो 12 बजे दोपहर से 12:45 दोपहर तक एक स्पेशल शो सभी संवाददाताओं को दिखलाया गया। इस अवसर पर उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, दरभंगा अभियंत्रण कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष नारायण एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं इस पूरे समस्त बिहार वासियों को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये एक तारामंडल की स्थापना हुई है। ये बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है बिहार के लिए, और आज से शो चालू किया गया है। पहला शो तो था कार्यक्रम के पत्रकार महोदय लोग और डीएम साहब के साथ था, वो हो गया। अभी बच्चों का मुकुंदी हाई स्कूल से अभी बच्चे आए हैं और अभी फिर शो चल रहा है। डीएम साहब के निर्देश पर यहाँ पर डीओ साहब के यहाँ लिस्ट बना हुआ है पूरा कार्यक्रम, किस किस स्कूल को किसी शो में कराना है और उस हिसाब से कार्यक्रम कराया जा रहा है। कितने बच्चे फर्स्ट शो में कितने लोग शामिल इसमें भाग लिया और सेकंड शो में कितने लोग भाग लिए? पहले शो में करीब 40-50 लोग करीब भाग लिए और अभी तो फुल हो गया है। कितने सीट है बैठने का इसमें? 150 सीट है। किस तरह का सुविधा इसमें? सारी सुविधा है सर। पब्लिक के लिए क्या व्यवस्था है और उनके लिए कब से ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा? एक महीने के बाद ही पब्लिक के लिए शुरू हो पाएगा। बहुत सारा काम अभी चल रहा है, परिसर में भी चल रहा है और अभी अंदर में कुछ कुछ टेक्निकल ये सब है सब। मतलब पब्लिक के लिए खुलने में अभी एक महीने का समय लगेगा। और सर इसके लिए शुल्क क्या रखा गया? शुल्क अभी निर्धारित हो रहा है जी, हाँ वो अभी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है, चूँकि फाइल विभाग में है सर। हमारे शहर ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम लोग ये मांग के चल रहे हैं कि ऑनलाइन होगी, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से तो होता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि विकल्प में ऑफलाइन भी रखा जाए। टिकट का क्या रेट होना चाहिए लमसम? जैसे हम पटना का जानते हैं कि 200 का रेट है और हम उम्मीद करते हैं उसी के आसपास रहेगा तो उसका ही रहना चाहिए। सर मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है कि यहाँ तारामंडल एकदम गौरव की बात है मिथिलांचल के लिए। आगे सर इसमें क्या क्या और बढ़ने की संभावना है, क्या क्या और आगे होगा? और जैसे कि अभी तो एक प्रस्तावित है हमारा ये गार्डन है, ये म्यूजियम प्रस्तावित है फेज टू में, जो कि काम चल रहा है धीरे धीरे वो तैयार हो जाएगा। पार्किंग है उसके ऊपर जो है, यहाँ पर सोलर सिस्टम का पूरा ये व्यवस्था जो देखने लायक होगा। पार्क बहुत सुंदर निर्माण कराया जा रहा है और ये जो टेरेस देख रहे हैं गार्डन, ये भी एकदम खूबसूरत है। एक बार कोई आएगा तो यहाँ से पटना तक में इतना अच्छा, इतना रमणीय कोई प्लेस नहीं है सर। सुरक्षा के साथ साथ एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है सर। सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ, कितना लगा हुआ? अभी तो कार्य जारी है, अधिकांश जगह पर लगा हुआ है और जहाँ कमी है वहाँ उसे लगाया जाए। क्या देखने आई थी, क्या देखे आप, क्या समझे आप, और जो देखे क्या अपने घर वाले को या अपने फ्रेंड को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे? क्या सीखी इसमें से आप, क्या समझी प्लैनेट के बारे में और तारामंडल? कहाँ से आए थे आप? कुंदी चौधरी हाई स्कूल। कैसा लगा नजारा यहाँ का? क्या नाम हुआ? स्नेहा। क्लास? क्लास 12। स्कूल? तारामंडल आए थे घूमने के लिए, बहुत मजा आया। क्या देखे आप, क्या समझे? साइंस मतलब यहाँ पे साइंस कर लेती थी, सब कुछ समझ में आया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। किस स्कूल से आई हैं आप लोग? कितने बच्चे लोग थे आप लोग? 150। अपना नाम बताइए।